हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आप लोगों का ज़्यादा कमेंट यही आ रहा था, सर समाज पहचानने का कोई ट्रिक बताइए ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है समाज को पहचानने में, क्योंकि आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाता है। कोई भी शब्द दे देगा और पूछेगा बताइए कौन सा समास है, तो आप लोग पहचान नहीं पाते हो। तो आज आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना, इस वीडियो के माध्यम से आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको सिर्फ इस वीडियो में समास पहचानने का ट्रिक बताएंगे, समास का डेफिनेशन नहीं बताएंगे, सिर्फ समास पहचानने का आपको ट्रिक बताएंगे, ठीक है। ये ट्रिक आप लोग देख लो, बहुत ज़्यादा काम आएगा, हद से ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। तो एक्चुअली में देखिए दोस्तों, समास 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और एक और समास होता है नए समास, जो इसके अंतर्गत हम लोग लाते नहीं है, बट हम लोग इस वीडियो में केवल 6 समास के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए अपन टॉपिक स्टार्ट करता है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला समास अव्ययीभाव को पहचानते हैं कि कैसे इसको हम लोग पकड़ पाएंगे कि अव्ययीभाव समास है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक सेंटेंस लिखा हूँ, जिस शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हो, जिस शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अव्ययीभाव समास कहेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कुछ नोट लिखवाया हूँ, यथा, प्रति, और यहाँ पर प्रति हो गया, यहाँ पर प्र हो गया, यहाँ पर नीर हो गया, यहाँ पर आ हो गया, यहाँ पर अन हो गया, यहाँ पर भर हो गया, यानी कि जिस शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हो उसे अव्ययीभाव समास हम लोग पहचानेंगे, ठीक है, यानी कि उसे अव्ययीभाव समास कहेंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोग को कई सारे एग्जामों में पढ़ते हैं और उपसर्ग पूछा जाता है कि बात है इस शब्द में उपसर्ग कौन है, इस शब्द में प्रत्यय कौन है, तो यहाँ पर आपका हो गया यथाशक्ति। तो यहाँ पर देखिए यथाशक्ति, तो अगर हम यहाँ पर यथा प्लस शक्ति कर दे, यथा प्लस शक्ति, तो यहाँ पर अगर कोई पूछेगा कि यथाशक्ति में कौन सा उपसर्ग है, तो आप लोग बता देना यथा उपसर्ग है। और इसी ट्रिक से हम पहचान लेंगे कि यह आपका अव्ययीभाव समास है, क्योंकि जिस शब्द में पहले उपसर्ग जुड़ा हो रहता है उसे हम लोग अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग प्रतिदिन में भी देख सकते हैं, एग्जाम में अगर पूछेगा कि प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो आप लोग पकड़ लोगे कि यहाँ पर इसका अगर हम लोग उपसर्ग देखेंगे तो प्रति प्लस दिन होगा, प्रति प्लस दिन होगा तो प्रतिदिन बनेगा, तो हम लोग पहचान लेंगे कि यह अव्ययीभाव समास है। जैसे कि भर पेट हो गया, तो भर प्लस पेट से भर पेट बनेगा, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो गया। यानी कि देख लेना, अगर कोई शब्द दिया हो उसको तोड़ना, देखना कि इसमें उपसर्ग है कि नहीं, अगर उपसर्ग मिल जाए तो समझ लेना वो आपका अव्ययीभाव समास होगा। एग्जाम्पल के तौर पर यह भी आपको बता दिया हूँ और आपको यहाँ पर भी आपको बता दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही आसानी ट्रिक से पहचान लेंगे कि अव्ययीभाव समास कौन सा है, ठीक है। अब देखिए आपको मैं दूसरा बता रहा हूँ, देखिए दूसरा आपका आ रहा है तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास दूसरा आ रहा है, ठीक है, बहुत ही ईजी है, आप बना सकते हो, ठीक है। देखिए दूसरा समास यानी कि तत्पुरुष समास कैसे पहचानेंगे, समास को अलग करने पर बीच में का के को के लिए में पर से निकले, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि आप लोग कर्ता चिन्ह याद किए होंगे, जैसे कि कर्ता ने कर्म को, कर्ण से अधिकरण, ये सब आप लोग याद किए होंगे, ठीक उसी पर आधारित है, एकदम हूबहू उसी पर आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक बात यहाँ पर याद करना है, समास को अलग करने पर, आपको पता है ना कि संधि 2 वर्णों का मेल होता है और समास 2 शब्दों का मेल होता है, आपको पता है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, समास को अलग करने पर बीच में का के की या फिर को के लिए में पर से निकले, जैसे कि यहाँ पर आपको मैं एक वर्ड दिया हूँ, एक एग्जांपल दूँ, रंगमंच, अगर पूछेगा रंगमंच में कौन सा समास है, तो आप लोग बता दे रहे तत्पुरुष समास, कैसे, जैसे रंग के लिए मंच, यानी कि रंग के लिए मंच, तो इसको हम लोग मतलब कि इसको हम लोग अलग कर रहे हैं, रंग और मंच को अलग कर रहे हैं, तो क्या मिल रहा है, रंग के लिए मंच, यानी कि रंग के लिए मंच। वैसे अगर वनवास को अगर अलग करोगे तो वन में वास, जैसे राम और सीता आप लोग देखे होंगे, राम और सीता का जो लीला हुआ था उस देखे होंगे, वन और वास, इसको अगर अलग करोगे तो वन में वास मिलेगा, तो वन में वास, ठीक है। और वैसे ही दोस्तों ये भी अगर अलग करोगे नेत्रहीन, नेत्र से हीन, यानी कि अगर आप इसको अलग करोगे तो नेत्र से हीन बनेगा, क्या बनेगा, नेत्र से हीन, क्या बनेगा, नेत्र से हीन बनेगा, यानी कि नेत्रहीन। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे, जो मतलब कि उसको अलग करने पर अगर ये सब आए तो हम समझेंगे वो तत्पुरुष समास है। तो ये तो आपको समझ में आ गया, जैसे कि सबको अलग कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ बीच में आ रहा है, जो हम जो लिखे हैं उसके अंतर जो उसमें है, तो समझ लेना वो क्या है, आपका तत्पुरुष समास है, ठीक है।
अब ये देखिए कर्मधारय को पहचानने में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट यहाँ पर इसको जैसे जैसे ये है वैसे ये भी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना होगा। ठीक है, तो है आपका 3 नंबर कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास को कैसे पहचानेंगे, जैसे कर्मधारय समास को पहचानने का मैं ट्रिक लिखाऊं, शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है, यानी कि शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है, अथवा आप कैसे लगाकर देखो, यदि उत्तर मिल जाए तो समास कर्मधारय होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ठीक है, जैसे कि आप लोग टेंस में पढ़े होंगे, ठीक है, टेंस में पढ़े होंगे, अगर कैसा कैसे लगाकर प्रश्न किया जाए तो अगर आंसर मिलता है तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। आप लोग पढ़े हो ना शायद, ये आपके मतलब कि सिलेबस में है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जैसे मान लेते हैं कि जैसे नहीं वो ऑब्जेक्ट पहचाने का ट्रिक नहीं बल्कि एडजेक्टिव पहचाने का वो ट्रिक है। अगर कैसे कैसा लगाकर अगर प्रश्न किया जाए और आंसर मिल जाए तो उसे एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे कि मान लेते हैं रंग है कैसा है, नीला है, गोरा है कैसा है, गोरा है, काली है कैसी है, तो काली है, यानी कि कैसा कैसी से हमें आंसर मिल जा रहा है तो समझेंगे हम एडजेक्टिव है। ठीक वैसे ये भी है, तो यहाँ पर हम कैसे प्रश्न लगाकर अगर देखते हैं, अगर उसका आंसर सही सही मिल जाता है तो हम समझेंगे वो कर्मधारय समास है। अब यहाँ ब्रैकेट में मैं आपको लिखाऊं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल एक दिया हूँ, मृग नयन, यानी कि दूसरा पद नयन है, यानी कि इसमें कह रहा है कि शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है, यानी कि मृग को छोड़ दीजिए, नयन को देखिए, नयन की विशेषता इसमें बताई जाती है, तो दूसरा पद आपका नयन है। अब कैसे लगाकर देखो, तो नयन में आप कैसे लगाइएगा, तो नयन कैसे होते हैं, मृग के समान। नयन कैसे होते हैं, तो मृग के समान होते हैं। आंसर मिल गया कि नहीं, आंसर मिल गया, कैसे होते हैं, मृग के समान होते हैं, तो आंसर हमारा मिल गया। तो समझेंगे ये कर्मधारय समास है। यहाँ पर एक बार फिर समझिए, कह रहा है कि इसमें शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है, दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है, तो आपका मृग नयन, तो ये दूसरा आपका पद क्या है, नयन है। तो यहाँ पर कह रहा है कि दूसरे पद नयन है, अब कैसे लगाकर देखो, नयन कैसे होते हैं, तो मृग के समान होते हैं, यानी कि हमारा आंसर यानी कि उत्तर सही मिला। उत्तर जब सही मिला तो ये आपका कर्मधारय समास में आ जाएगा। ठीक वैसे ही नीलांबर, नीलांबर, तो नीलांबर में दूसरा पद क्या है, अंबर है, क्या है, अंबर। इसमें देखिए दूसरा पद यहाँ पर अंबर होगा, तो कैसे लगाकर देखिएगा, वो भी मिल जाएगा आपका आंसर। कैसे, तो अगर आप नीलांबर में कैसे लगाइए, तो कैसे, तो नीला अंबर, तो नीलांबर का मतलब क्या हुआ, नीला अंबर, यानी कि यहाँ क्या होगा, नीला अंबर, तो क्या अंबर, ठीक है, नीला अंबर। तो यहाँ पर आप लोग क्या लगाइएगा, कैसे मतलब कि अंबर कैसे होते हैं, तो नीला नीला के समान या फिर नीला अंबर होते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ जाएंगे कि यह कर्मधारय समास है। ठीक वैसे ही दोस्तों ये एक द्वंद्व समास है, ये तो आप छोटा बच्चा भी समझ जाएगा कि द्वंद्व समास को हम कैसे पहचानेंगे, द्वंद्व समास को हम लोग कैसे पहचानेंगे, ये आपके छोटे बच्चे भी समझ जाएंगे। देखिए द्वंद्व समास में युग्मक चिन्ह लगा हो, विग्रह करने पर और आए। देखिए अब यहाँ पर कह रहा है कि द्वंद्व समास कैसे पहचानेंगे, पहचाने का ट्रिक है कि योजक का चिन्ह लगा हो, विग्रह करने पर और आए, उसे हम क्या समझेंगे, द्वंद्व समास। जैसे कि यहाँ पर लेन देन, लेन देन में यहाँ पर आपको एक योजक चिन्ह प्राप्त हुआ है, ये समझेंगे हम ये द्वंद्व समास है। और यहाँ पर भी दाल रोटी में भी आया है, दाल रोटी में भी आपका चिन्ह क्या है, तो माइनस का चिन्ह है। ठीक है, अब इसको विग्रह करिएगा, लेन देन को अगर विग्रह करते हैं तो लेन और देन, तो लेन और देन, तो बीच में क्या आया, और आया, दाल और रोटी, तो बीच में क्या आया, और आया, माता और पिता, इसमें भी और आया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको एक नोट लिखे हैं, अब देखिए धीरे धीरे, धीरे धीरे में, धीरे धीरे में भी तो आपको योजक चिन्ह दिख रहा है, तो फिर ये क्यों नहीं होगा द्वंद्व समास, ये अव्ययी भाव समास क्यों होगा, इसका भी तो मतलब है कि ये अव्ययी भाव समास क्यों होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको भी हम विग्रह करेंगे, धीरे और धीरे, धीरे और धीरे, तो देखिए धीरे और धीरे, और वाला सम और वाला आंसर नहीं मिल पा रहा है, गलत हो जा रहा है ना, योजक चिन्ह से तो सही है, धीरे धीरे और देखिए, अगर धीरे और धीरे ये अच्छा नहीं ना है, यानी कि आंसर गलत है ना, गलत मिल रहा है ना, तो हम समझेंगे ये आपका अव्यय भाव समास है। और एक और बात रखिए, दोनों सेम नहीं होना चाहिए, अगर दोनों सेम होगा, बीच में अगर योजक चिन्ह होगा तो वो आपका द्वंद्व समास नहीं होगा। जैसे कि धीरे धीरे, धीरे धीरे, या फिर जल्दी जल्दी कर दिए, यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं, जल्दी, और यहाँ पर क्या हो गया, जल्दी, ठीक है,
तो यहाँ पर भी आपको योजक चिन्ह मिल रहा है, लेकिन ये वाला और ये वाला दोनों पद समान है, तो ये आपका द्वंद्व समास नहीं होगा। ये आपका क्या होगा? द्वंद्व समास नहीं होगा, ये आपका अव्ययीभाव समास में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? अव्ययीभाव समास में चला जाएगा। अव्ययीभाव समास आप लोग पहचानते ही हो, जिसमें उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग चौथा द्वंद्व समास को पहचानिए। अब चलिए आगे देखते हैं और दो समास है उसको भी कैसे पहचानेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है और अच्छा लग रहा है ना, तो सभी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट अपने माँ से और अपने पिता से सच्चा प्यार करते हैं और अपनी माँ बाप को दुनिया की पूरी जन्नत को दिखाना चाहते हैं, वो अपना नाम इस कमेंट में ज़रूर लिखना। अपना नाम, अगर आपका नाम रामू है तो अपना नाम रामू कमेंट में लिखिए, अगर आपका नाम रंजन है तो रंजन लिखिए, विकास है तो विकास लिखिए, सुमित है तो सुमित लिखिए। सब विद्यार्थी अपना अपना नाम लिखना, ताकि मैं देखूंगा कि कौन ऐसे विद्यार्थी है जो मेरा ये वीडियो देखा है और उसको मतलब कि पूरा समझ में आ गया, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, ठीक है। ऐसे ही जो भी डिफिकल्ट टॉपिक होगा उसको मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा, ताकि आप अच्छे से कन्फर्म कर लें, ठीक है। चलिए हम पाँचवा देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला आपका पांच नंबर है द्विगु समास। द्विगु समास को हम कैसे पहचानेंगे? द्विगु समास पहचाने से पहले आपको एक मोटिवेशनल कुछ बात बोल रहा हूँ, ठीक है। मात्र दो सेकंड का, अच्छे से समझ लेना। जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। अक्सर जिंदगी में उन्हीं को मिलती है मंजिल, जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। मेरे दोस्त याद रखना, आपके पास कितना भी बड़ा मुश्किल क्यों ना है, आपके पास अगर क्यों ना आए, क्यों ना है, तो आप अगर उस मुश्किल से लड़ना सीख गए तो आप हर मंजिल को अपने पॉकेट में ला सकते हो। इस बात पर गौर करना। देखिए, चाहे आपका आपके यहाँ कितना भी मुसीबत क्यों ना आए, कभी भी रोया मत करना, उसको अच्छे से मतलब कि कंट्रोल करना, उसको अच्छे से मतलब कि संभालना, ये आपका जिम्मेदारी है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं द्विगु समास हम लोग कैसे पहचानेंगे। देखिए कह रहा है कि इस समास में पहला पद संख्या होती है, यानी कि समूह का बोध होता है। अब देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, मतलब कि आप लोग पहचान लोगे। संख्या, संख्या याद रखना, द्विगु समास पहचानने के लिए आप लोगों को संख्या याद रखना होगा। क्या संख्या? अब देखिए पंचवटी, पंचवटी यानी कि पांच, संख्या आ रहा है कि नहीं, तो आपका क्या होगा? द्विगु समास होगा, क्योंकि इसमें पंच यानी कि पांच तो संख्या आ रहा है, नौ ग्रह यानी कि नौ, यह भी संख्या है, तो यह भी नौ संख्या है कि नहीं, पंच संख्या है कि नहीं, त्रिव यानी कि त्रि, तीन यानी कि तीन संख्या है कि नहीं, त्रिलोक यानी कि तीन, यह भी संख्या है कि नहीं। तो जिसमें संख्या आएगा वो आपका द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए छठा है बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास को कैसे पहचानेंगे? बहुव्रीहि समास कैसे पहचानेंगे? अब देखिए यहाँ पर मैं लिखे हूँ, इसमें देवी देवताओं के नाम प्रयाचित शब्द समूह के लिए एक शब्द आता है। देखिए 95% यानी कि 90-95% ना इसमें देवी देवताओं के नाम आते हैं, ठीक है। 90-95% ना बहुव्रीहि समास में देवताओं का नाम आते हैं। तो आप लोग याद रखना, अगर किसी में देवता का नाम आ गया, देवी देवताओं का नाम आ गया, तो आपका बहुव्रीहि समास होगा। क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। जैसे कि त्रिनेत्र, लंबोदर, दशानन, ये क्या होगा? ये आपका बहुव्रीहि समास होगा। लेकिन मैं आपको एक दिया हूँ, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री भी आपका बहुव्रीहि समास होगा। लेकिन कैसे? क्योंकि ये तो देवी देवता नहीं है, देवी देवता नहीं है तो अलग बात है। देखिए मंत्रियों में प्रधान है जो, वो आपका प्रधानमंत्री हो जाएगा। देखिए प्रधानमंत्री पूरे मतलब देश के एक मतलब कि एक मतलब कि मुख्य सॉरी एक मतलब कि प्राइम मिनिस्टर है ना, यानी कि प्रधानमंत्री है ना, पूरे देश का प्रधानमंत्री, यानी कि मतलब कि लाखों में एक है, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? यानी कि प्रधानमंत्री, यानी कि वो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि लंबोदर, त्रिनेत्र, दशानन, ये लाखों में एक है, तो वो किस में चले जाएंगे? बहुव्रीहि समास में चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हम सभी पहचान सकते हैं कि कौन कौन समास है। और एक और सातवां नंबर समास आता है, सातवें नंबर पर आता है, जिसको हम इसके श्रेणी में लाते नहीं, नए समास होता है, ठीक है, नए समास होता है, ठीक है, नए समास होता है। अब इसको कैसे पहचानेंगे वो भी हम आपको बता देता हूँ। नए समास को हम लोग कैसे पहचानेंगे? देखिए नए समास में ना किसी शब्द के पहले अगर अ जुड़ जाए, जैसे कि अ, देखिए समान है, ये आपका समान हो गया, ठीक है, और इसमें अगर अ जुड़ जाए तो आपका असमान हो जाएगा। तो जिस शब्द के पहले अगर अ जुड़े वो आपका नए समास हुआ। तो याद रखना, नए समास के शब्द, नए समास कैसे पहचानेंगे? जिसमें अ लगा हो पहले
वही आपका नए समास होगा। यही इसका एक ही तरीका है, पहले देख लेना कि अ है कि नहीं, अ है तो नए समास है, नहीं है तो नहीं है, यही आपका ट्रिक है। ठीक है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है, इसलिए आपको रखना, याद रखना। ठीक है, तो आप लोगों को कैसा वीडियो अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोग। ठीक है।